गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश अंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविंसिबल की यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो है एटमी के बिजनेस प्लान के बारे में आप सभी लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूं। और पहली बार ऐसा हो रहा है, करीब मेरे यूट्यूब चैनल को 6 महीने हो गया है और 6 महीने में ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल बना है, क्योंकि 6 महीने में इतनी तेज़ी से ग्रोथ कभी किसी भी यूट्यूब चैनल में इंडिया ने नहीं लिया है। और मैं इस चीज के लिए स्पेशल आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के प्यार और आप लोगों के रिस्पेक्ट की वजह से जो है ये YouTube चैनल इतना तेजी से बढ़ पाया है। और कंटिन्यूसली मेरे पास में 6 मंथ से लगातार एक ही डिमांड आ रही थी, और वो डिमांड बिल्कुल जायज थी। वो डिमांड थी कि कब आप एटमी प्लान जो है उसको शेयर करेंगे। और मैं इसे इसलिए शेयर नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि एटमी के प्लान में बहुत ज़्यादा और पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे थे और वो वीडियोज़ में मुझे काफ़ी सवालों के आंसर नहीं मिल पा रहे थे। फाइनली जब मुझे लगा कि मेरे पास में सारे सवालों के आंसर हैं, तो उसके बाद में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये इतना पावरफुल वीडियो है गाइज, इसमें आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो शायद इसके पहले आपसे कहीं भी शेयर नहीं की गई होंगी। तो ये वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और नो मैटर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितने साल से हैं, आप 5 साल से हैं या 10 साल से हैं या 15-20 साल से हैं, या आप फ्रेशर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मैं इस प्रेजेंटेशन को इतना सिंपल रखने वाला हूं। और थैंक यू कि हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है, प्रेजेंटेशंस वगैरह है, जिसके कारण हम लोग चीज़ों को बहुत आसान वे में पेश कर सकते हैं, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत सिंपल रखने की, बहुत आसान रखने की, ताकि आपको समझ में आए और अपनी टीम को भी जो है बता सके। तो सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम को अभी के अभी ये यूट्यूब का लिंक जो है वो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को इन्वाइट करें ताकि उसको इसके पोटेंशियल के बारे में समझ में आए। और जो बहुत सारे नेटवर्कर हैं उनके लिए भी ये वीडियो इफेक्टिव है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काइंड ऑफ सारे टाइप के कंपैरिजन भी किए हुए हैं, जिससे आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि दुनिया के सारे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान से ये मार्केटिंग प्लान अलग क्यों है। हाँ, दुनिया की सारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही है उनका जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान चल रहा है, और ये यूनिक और सिंपल और इफेक्टिव और ये एक मेजर कंपाउंडिंग इफेक्ट करने वाला कैसा है। तो यकीन मानिए, अगर मैं 5 महीने के बाद में कोई वीडियो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो उतना ही पावरफुल होगा, राइट। और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी ऐसी छुपी हुई जो जानकारियाँ हैं जो एटमी बिजनेस प्लान के बारे में शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता है। और मैं जहाँ तक देखते आ रहा हूँ कि लोगों ने टीम बहुत बड़ी क्रिएट कर ली है, लेकिन हो सकता है 95 से 98% लोगों को प्लान की बारीकियाँ और प्लान की डिटेल नहीं पता है, राइट। तो इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना स्टार्ट कीजिए। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो नए व्यूवर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो और सारी जो हमारी ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। और जो मेरे बारे में नहीं जानते उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे मेरा नाम टाइप कर सकते हैं रितेश टंगारे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक PDF प्रोफाइल अटैच्ड है, उस पे आप देख सकते हैं मेरे सारे बिजनेसेस और सारे मेरे बारे में जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। और काफ़ी लोग जो एटमी से जुड़ना चाहते हैं और एक अच्छी टीम ढूंढ रहे हैं, तो आप टीम इनविंसिबल ज्वाइन कर सकते हैं। हम टीम इनविंसिबल में बहुत अच्छे से एक स्मार्ट सपोर्ट जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग जो इस अभी मीटिंग में लाइव जुड़े हुए, मैं सभी लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। ये स्लाइड देखिए ध्यान से, और स्लाइड देखने के बाद में आप मुझे बताइए ये स्लाइड क्या है। ये स्लाइड है एक्टिव से पैसिव इनकम की तरफ बढ़ते हुए आप अपने आप को अगर रैंक देना चाहें, या आप बताना चाहें कि किस लेवल पे आप हैं, तो उसको किस तरीके से आप देंगे, राइट। ए जो है वो एक्टिव इनकम को डिफाइन करता है, और पी जो है वो पैसिव इनकम को डिफाइन करता है, ठीक है। और 0 से 5 तक जो ये मार्क है, ये जो नंबर है, ये डिफाइन ये करता है कि अगर आप 0 पे हैं तो इसका मतलब है आप कंप्लीट एक्टिव इनकम बना रहे हैं, और 5 पे हैं इसका मतलब आप कंप्लीट पैसिव इनकम बना रहे हैं, राइट। उसमें एक्टिव एफर्ट लगभग 0 के बराबर है या लगभग बहुत कम है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्टिव इनकम क्या होता है। काफ़ी लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझते हैं, या पैसिव और एक्टिव इनकम नहीं समझते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा।
मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आने की वजह जो है वो स्पेशली पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम इसलिए क्योंकि हम सालों से काम करते आ रहे हैं और सालों से हम लोग पैसा जनरेट करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पैसा जनरेट करने का ड्यूरेशन क्या होता है, जब तक हम लोग काम करेंगे तब तक हम लोगों को पैसा मिलेगा, राइट। चाहे आप जॉब में हो, बिजनेसेस में हो, लगभग दुनिया के सारे तरीकों में जो भी इनकम सोर्स है सब में यही जो तरीका है वो काम आता है, ठीक है। तो पैसिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम ये इनकम होता है कि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आपने सिस्टम इस तरीके से बना दिया है और आपके एक समय तक एफर्ट लगाने के बाद में जब आप लेट से कि आप लीव पे जा रहे हैं, कोई छुट्टियों पे जा रहे हैं, अगर आप अचानक से बीमार पड़ गए हैं, कोई और दूसरी एमरजेंसी आ गई है या कोई और अच्छी खबर आ गई है जिसके कारण आप काम पे पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो है करीब करीब आप पैसिव इनकम बना रहे, राइट। और एक्टिव इनकम ये होता है, एक्टिव इनकम में आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, मतलब जब तक आप काम करेंगे तब तक आप पैसा बनाएंगे। जिस तरीके से आप जॉब को देख सकते हैं, जॉब में क्या होता है, जैसे जैसे आप जॉब पे जाएंगे जितना समय वहां देंगे महीने के एंड पे उतनी सैलरी मिलेगी। अगर आप जॉब पे नहीं जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है आपके बॉस या जो भी रहेंगे वो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे, वो शायद आपको निकाल भी सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि आपने एक महीने की छुट्टी ली तो हो सकता है वो एक महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। अब इस ग्राफ में इंडियंस की मैं स्पेशली बात करूंगा, मैं मैक्सिमम लोगों को जानता हूं। इनफैक्ट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने आप को रेट कहाँ करेंगे, क्योंकि मैंने कई बार अपने बिजनेसेस में, जो मेरे रेगुलर बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस में मैंने एक्टिव से पैसिव इनकम बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी भी ये अगर मैं अपने आप को रेट करना चाहूँ तो मैं 2 या 3 के बीच में हमेशा अपने आप को रेट करूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाया हूँ। और 5 जो अपने आप को आउट ऑफ 5 रेट करने की बात होती है कि मैं कंप्लीट पैसिव इनकम बना रहा हूँ, मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट लगभग 0 है, ठीक है, और उसके बाद में भी जो है मैं पैसिव इनकम बना रहा हूँ। अगर सेम चीज़ अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में भी देखेंगे तो ये है कि जब जब आप दुकान खोलेंगे तब तब आपको पैसा आएगा, अगर आपकी दुकान ओपन नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, राइट। तो एक्टिव से पैसिव इनकम बनाने के लिए आपका एक सिस्टम बनाना जरूरी है। जो दुनिया के बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, वो पैसिव इनकम इस तरीके से बना देते हैं क्योंकि वो सिस्टम एक बना देते हैं, राइट। और मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का स्पेसिफिक रीजन जो है वो पैसिव इनकम है। अब मैं आपको एक चीज, एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि हमारी वर्किंग एज जो है वो 60 साल है, वर्किंग एज मतलब जब तक हम लोग रिटायरमेंट की जो एज होती है नॉर्मल, मैं उस एज को लेके चल रहा हूँ, और हम में से काफ़ी लोग जो हैं करीब करीब अभी करंट एज उनकी किसी की 25 हो सकती है, किसी की 30 हो सकती है, लेकिन मैं एक एवरेज एज लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए कि 30 साल की आपकी उम्र है तो आपके पास में लगभग अब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ जो समय बच जाता है 30 साल है, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी वर्किंग एज जो है तब तक आप काम करते रहेंगे जब तक आपकी वर्किंग एज खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। और आपने अगर दूसरे कंट्रीज में देखा होगा तो मैक्सिमम कंट्रीज में 30 या 40 साल के आसपास में ही रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं। रीजन ये रहता है कि वो पैसिव इनकम प्लान करते हैं अपना, ठीक है। और इंडिया में भी ये कल्चर धीरे धीरे आने लगा है और नेटवर्क मार्केटिंग और एटमी इसका सबसे ज्यादा जो अच्छा रिसोर्स है जिससे आप एक बड़ा पैसिव इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास में अभी हार्डली कुछ साल रह गए हैं और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग आपको प्लान करनी है, और लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि रिटायरमेंट तक जो है आपको लगातार अपना इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, 60 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, उसी के बाद जो है तब तक ही आपको इनकम आएगी। और जैसे ही आपका रिटायरमेंट हो जाता है, अगर आप प्राइवेट जॉब पे हैं तो शायद उसके बाद में आपकी इनकम बंद हो जाएगी, अगर आप बिजनेस पे हैं तो भी प्रॉब्लम यही रहेगी कि आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लगभग 0 हो जाएगा तो आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी। लेकिन एटमी में या नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं हुआ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और एटमी में स्पेशली हम लोग जो है 3 जनरेशन तक अपना बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ MLM की चेकलिस्ट की। मैंने इसके पहले भी इस बारे में बात की है और एक मैंने बहुत डिटेल लिस्ट बताई थी, क्योंकि हम लोग सालों से जो डुप्लीकेशन करते आ रहे हैं उस डुप्लीकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और डुप्लीकेशन में प्रॉब्लम इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ था कि अगर सही तरीके से चीज़ें डुप्लीकेट हो रही तो वो आपके फेवर में जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत चीज़ों को डुप्लीकेट कर रहे हो तो गलत तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। ये इसको कैसे समझने के लिए, कैसा आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और मान लीजिए आपके सामने एक बच्चा बैठा हुआ है जो एग्ज़ाम लिख रहा है, और अगर आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं
लेकिन वो जो है सारे गलत आंसर्स कॉपी कर रहा है, गलत आंसर्स लिख रहा है और आप उसको एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस एग्जाम में फेल होंगे। और मैक्सिमम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में यही देखा हुआ है कि ज्यादातर लोग या तो शुरुआत नहीं करते हैं इस कारण से फेल हो जाते हैं, या वो गलत डुप्लीकेशन करते हैं इस कारण से फेल हो जाते हैं। तो आपका डुप्लीकेशन करना जरूरी नहीं है, आपका सही डुप्लीकेशन जरूरी है, एक सही ट्रेनिंग सिस्टम और सपोर्ट के थ्रू जो है डुप्लीकेशन करना जरूरी है। तो मैं क्विकली चेकलिस्ट आपको बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं इस चीज के लिए। सबसे पहले हम लोग सालों से जो 5P या 3P की बातें करते आ रहे हैं, दुनिया उससे बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है, ये 5P और 3P क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं रहा है। तो जब भी आप इस जो इमेज है, इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव करके रखें, ताकि जब भी आप किसी कंपनी में कोई भी आपको प्रेजेंटेशन देने आए, तो सबसे पहले आप उनसे इन चेकलिस्ट के बारे में बात करें, राइट। और ये चेकलिस्ट जब आपको लगे कि सेटिस्फाइंग है, ठीक है, उसके बाद में आप जो है उस कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे पहली जो चेकलिस्ट है उसमें मैं सबसे जो ऊपर मार्क पे रखता हूँ उसे बोलता हूँ मैं एथिकल कंपनी होना। एथिकल कंपनी की जरूरत दुनिया के किसी देश में होना हो, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा है, राइट। क्योंकि भारत में उतने ही ज़्यादा स्कैम्स होते हैं या फिर गलत तरीके से जो है बिजनेस किए जाते हैं। तो एटमी एक ऐसी कंपनी है जिसमें जो एथिक्स को इतना ज़्यादा फॉलो करती है कि वर्ल्ड वाइड एटमी का सबसे ज़्यादा नाम जो है उसकी एथिकल कंपनी के होने के नाम पे लिया जाता है, राइट। और इसी कारण से जो है एटमी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने कोड ऑफ एथिक्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट, सभी चीज़ों को लेके, कि यहाँ पे किसी भी तरीके की अनएथिकल चीज़ें नहीं होती हैं, राइट। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। इसके बाद में हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे कि कंपनी में सारी चीज़ें नैतिक तौर पर और लीगल तौर पर हो रही हैं या नहीं, सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कि आप किसी भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट जो आता है वो सारे लीगल चीज़ें फॉलो करके आप कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। और जब तक आप नहीं कर रहे हैं तब तक प्रॉब्लम यह है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को धोखे पे रख रहे हैं और इन फ्यूचर जो है कंपनी शटडाउन हो सकती है। इसकी बात में तीसरा पॉइंट है एक्सपेंसेस टू एंटर एंड मेंटेन, ठीक है, ये मेंटेन लिखा हुआ, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है। तो एक्सपेंसेस टू एंटर एंड मेंटेन का मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग, इसे ईज ऑफ बिजनेस बोला जाता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस बोला जाता है, लोवेस्ट रिस्क का बिजनेस बोला जाता है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप किसी भी MLM कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई एंट्री फीस ना हो और उसकी मेंटेनेंस फीस भी लगभग जो है जीरो के बराबर हो या लगभग नहीं के बराबर हो, राइट। और अगर कोई स्टार्टर पैकेज या दूसरी अदर चीज़ों के थ्रू आपको चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली बात है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद में मैनेजमेंट एबिलिटी, कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, प्रोफाइल प्रोडक्ट सब चीजें स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, अगर आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है और मैनेजमेंट की काबिलियत नहीं है कि वो उस कंपनी को आगे लेके जा सकती है, तब तक आप वो कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती है। इसके बाद में कंपनी प्रोफाइल, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान तरीका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट करने का होता है उसकी कंपनी की प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग प्रोफाइल होगा उतना आसानी से आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। भरोसे का, अगर आपको किसी पे एक बात पे भरोसा करना है MLM कंपनी पे, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट जो बनता है वो बनता है कंपनी का प्रोफाइल, कितना स्ट्रांग बैकबोन है उसका, ठीक है, कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे हैं, कितने सालों का उसका काम का एक्सपीरियंस रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में फाउंडर प्रोफाइल एंड एक्सपीरियंस, अब मान लीजिए कि सारी चीज़ें आपके पास में, प्रोडक्ट कंपनसेशन प्लान सब चीज़ें आपके पास में है, लेकिन एक नौसिखिया बंदा जो है वो कंपनी को रन कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली बात है वो कंपनी कभी ना कभी जल्दी से शटडाउन होगी क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में एक एक्सपर्टीज हासिल किया हो, एक समय तक उसने बहुत लंबा समय तक काम किया हो और उसके एक्सपीरियंस की बदौलत जो है वो अब अगली कंपनी जो है रन करने की प्लान कर रहा हो। तो इसके बाद में हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट्स अभी जो है लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की होड़ में लग गए हैं कि बेस्ट क्वालिटी लाते हैं, लेकिन इस चीज को आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं कि मैटर करता है कि आपके प्रोडक्ट्स कितना यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और क्या आपके प्रोडक्ट पेटेंटेड है। अगर आपके ग्लोबली प्रोडक्ट पेटेंटेड है तो इसका मतलब आसान है कि उसका रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, और अगर उसका रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है तो सीधी सी बात है कि कंज्यूमर को एट द एंड वही प्रोडक्ट कंपनी के बार बार यूज करना पड़ेगा जिससे उसको लगातार फायदा हो रहा है, राइट। और अब क्वालिटी और प्राइस के कारण प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी और रेंज जो है उसकी भी बातें होने लगी हैं, क्योंकि आप कितना इसको अगले लेवल पे जा सकते हो। अगला जो पॉइंट है वो है बिजनेस प्लान को लेके। कंपनसेशन प्लान जो भी रहता है या किसी भी कंपनी का जो बिजनेस प्लान होता है वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, कि कंपनी बहुत ज्यादा अगर आपको ऑफर कर रही है तो प्रॉब्लम है। मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करके बता चुका हूँ
कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है तो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, और अगर कंपनी ज्यादा मार्जिन कमा रही है और डिस्ट्रीब्यूटर को कम पैसा दे रही है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर टूट जाएगा और वो कंपनी टू कंपनी स्विच करता रहेगा। और यही इंडिया में होता रहता है जनरली, क्योंकि इंडिया में एक सस्टेनेबल, कंसिस्टेंट और स्टेबल करियर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं मिल पाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, इसलिए वो बार बार कंपनी जो है स्विच करते रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका हल है एक वेल बैलेंस्ड प्लान का बनना, राइट। इसके बाद में यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम का होना। यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम क्या है? जनरली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ये होता है कि कोई भी टीम अपना अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर लेती है। इसके कारण ये होता है कि जो डुप्लीकेशन है वो उस पर्टिकुलर टीम में होना बहुत अच्छे से होता है, लेकिन अगर आप बाकी, मतलब मान लीजिए कि 1% जो पूरे पूरे कंपनी का 1% टीम है वो अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बाकी की 99% टीम जो है उसे अगर सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं बना पाते हैं, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम का होना। अगर यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम है, अगर कंपनी ही अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही है कि मैं एजुकेशन दूंगी और मेरी पूरी जवाबदारी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल करने की, तो पूरा जो नीचे तक डुप्लीकेशन होगा तो वो डुप्लीकेशन कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से स्टार्ट होके पूरे लीडर्स पे लागू होगा, ठीक है। बाकी की दूसरी कंपनीज में ये होता है कि एक सिलेक्टेड जो पार्ट होता है, जो टीम अच्छा होती है, जिस टीम के लीडर्स अच्छे होते हैं, वही जो है आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में विजन। नो मैटर कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, आपको समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और समय के आगे सोचना पड़ेगा, ये होता है विजन, राइट। अब जैसे मिस्टर हेंगल पार्क सर ने एक तो वर्ल्ड की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग, वर्ल्ड की फर्स्ट ई कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग लेके आए। अब उन्होंने इसके बाद में ये प्लान करके रखा हुआ है कि जो 10 साल पहले जो चीज़ें सोच के रखी हुई थी एक्सटेंडेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, वो सारी चीज़ें जो है अभी इंप्लीमेंट कर दी हैं, ठीक है। इसके बाद में $100 बिलियन का मार्क कैसे टच करना है उसके लिए प्लान कर लिया है। ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं जिन्होंने वोकल फॉर लोकल का अभी जिक्र किया है, वो चीज़ें उन्होंने 10 साल पहले जो है कर चुकी है और उसी चीज़ को अभी इंडिया में जो है इंप्लीमेंट करने जा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं विजन, कि आप 10 साल बाद क्या होने वाला है उसकी सोच पहले रखें और उस चीज़ को अभी इंप्लीमेंट कर दें। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में मैं बात करूं तो ई कॉमर्स कंपनी, बड़े बड़े जाइंट ई कॉमर्स कंपनी जो है, चाहे वो अमेजोन की बात कर लें आप या अलीबाबा की बात कर लें या फ्लिपकार्ट की बात कर लें, आज तक ये कंपनीज जो हैं ये कोर ई कॉमर्स कंपनी, उसके बावजूद ये कभी भी अपना एक्सटेंडेड रियलिटी लॉन्च नहीं कर पाई है, राइट। और उसके बाद में एटमी ने ये जो है काम कर दिखाया है। तो डेफिनेट सी बात है कि विजन का बहुत मेजर रोल है। इसके बाद में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। कोविड ने अभी ये सिचुएशन पैदा कर दी है कि बिना टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के कोई भी कंपनी जो है सर्वाइव नहीं कर सकती है, या तो कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकती है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन अभी दुनिया के हर बिजनेस का एक जरूरी पार्ट हो गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि एटमी में सिर्फ 400 एम्प्लॉयज हैं, जो 400 एम्प्लॉयज ग्लोबली अभी मैनेज करते हैं। तो ये इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट कैसे बना है? क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों को उन्होंने ऑटोमेट कर दिया है, मैक्सिमम चीज़ों में टेक्नोलॉजी इस लेवल पर यूज़ की है कि मैन पावर कट डाउन किया है, मैन पावर कम से कम लगा है, तो उनके एक्सपेंसेस कम हुए हैं और एक्सपेंसेस कम हुए हैं, इसके कारण से उसका पूरा बेनिफिट जो है कंपनी को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है, ठीक है। इसके बाद में सक्सेस परसेंटेज। आपने सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में देखा होगा कि टॉप 1% लीडर जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बोलना अच्छा आता है, उन्हें प्रेजेंटेशन देना अच्छा आता है, वो किसी प्रीवियस नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़े 15-20 साल के एक्सपीरियंस लिए हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कोर कस्टमर सक्सेस का बिजनेस है और यही एटमी का जो है मोटो है। एटमी का मोटो क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे एटमी काम नहीं करती है, कस्टमर सक्सेस पे काम करती है। तो सक्सेस परसेंटेज का बढ़ाया जा सकता है, लीडर्स को सफलता दिला के कस्टमर सक्सेस परसेंटेज नहीं बढ़ाया जा सकता। ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो सफल होना स्टार्ट करे, राइट। इसके बाद में ग्लोबल एग्जिस्टिंग। किसी भी, मान लीजिए कि आप, आपके जो बच्चे हैं, अगर आपको आपको उनको एक बेस्ट स्कूल में डालना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि उस सिटी के बेस्ट स्कूल कितने हैं, टॉप 10 बेस्ट स्कूल कौन से हैं, राइट। तो ये एक आसान सा तरीका होता है किसी भी चीज़ पर भरोसा करने के लिए। तो ग्लोबल एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? DSN जो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ की एक हर साल न्यूज़ निकलती है, उस न्यूज़ में टॉप 100 कंपनीज़ की लिस्ट निकलती है। तो बहुत आसान तरीका है उन टॉप 100 कंपनीज़ में आपका ये चूज़ करने का कि क्या मैं
इस कंपनी के साथ में जा सकता हूँ क्योंकि ट्रस्ट जो है उसमें आसानी से बन जाता है। जो कंपनी उस रैंक पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो उस कंपनी पे भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा ये होगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर कंपनी जो है अपने आप को नंबर वन बोलती है, लेकिन इनके नंबर वन होने का जो क्राइटेरिया है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़, राइट। और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि उस वेबसाइट को देख लें आप, वहाँ पर टॉप 100 की लिस्ट देख लें, उसमें एटमी जो है वो करीब 11वें नंबर पर आती है, ठीक है। इसके बाद में वर्क कल्चर, एटमी का वर्क कल्चर क्या है, एटमी कल्चर ऑफ शेयरिंग पे भरोसा करता है। तो एटमी का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज जो है बननी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये वर्क कल्चर पूरे कंपनी में लागू होता है और इस वर्क कल्चर के कारण ही हमारे यहाँ पे इतना बड़ा सक्सेस रेशो जो है वो बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट है फेयर चांसेस। फेयर चांसेस का क्या मतलब है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नो मैटर किसने कब ज्वाइन किया, या किसी ने पहले, किसी ने कंपनी की शुरुआत में ज्वाइन किया, किसी ने कंपनी के एक साल बाद जुड़ने के बाद में ज्वाइन किया, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जो है इंपीरियल मास्टर बन सके या वहाँ उस लेवल तक पहुँच सके, या करीब करीब मिनिमम जो है $50,000 पर मंथ के आसपास जनरेट कर सके। तो फेयर चांसेस बाकी की कंपनीज में नहीं होते, क्योंकि कंपनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ 1-2% जो टॉप क्वालिटी के लीडर्स होते हैं उन पर रहते हैं, और वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज दे के इंटरटेन करते रहते हैं, राइट। अब मैं आपसे बात करूँगा कि एटमी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बिना ऑब्लिगेशन के आपको बिजनेस करने का मौका देती है, ठीक है। कोई रुकावट नहीं है आपके बिजनेस करने में, ये काइंड ऑफ जीरो कंडीशनल प्लान है, अगर आप इसको पूरे अच्छे से स्टडी करेंगे। इसलिए मैं इसको डिटेल बना रहा हूं ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए कि कितना पावरफुल चीज है ये, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नो रजिस्ट्रेशन फीस या नो स्टार्टेड फीस, कोई स्टार्टर फीस नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस होने का मतलब और स्टार्टर फीस होने का मतलब क्या है, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे आपसे एक पर्टिकुलर चार्ज लेती है, और काफी कंपनी जो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेती है फिर भी उसके बाद में एक वो मिनिमम रिक्वायरमेंट रख देती है कि ये स्टार्टर पैकेज है हमारा, आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन तो फ्री है बट ये स्टार्टर पैकेज इतना आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो एटमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है, नो मंथली फीस एंड एनुअल फीस। एटमी में आपको महीने की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है या साल की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, राइट। और बाकी सभी कंपनीज में ये होता है कि आपको एक सर्टेन फीस जरूर पे करनी पड़ेगी मंथली फी या एनुअल फीस के नाम पे। और इसके बाद में नो वेबसाइट यूजर्स फीस। सिमिलरली एक वेबसाइट का सर्वर का खर्चा या बाकी सारी जो टेक्नोलॉजी है उनका खर्चा निकालने के लिए बाकी सभी कंपनीज ये करती हैं कि आपको एक वेबसाइट के लिए जो है चार्ज करना स्टार्ट करती है यूजर को और डिस्ट्रीब्यूटर को। एटमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है, एटमी में कोई वेबसाइट रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं है। इसके बाद में डू नॉट हैव टू परचेज प्रोडक्ट्स टू रजिस्टर। आपको कोई प्रोडक्ट जो है रजिस्टर, आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए एटमी में। आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है, इसके बाद में आप अपने मन मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट उठा सकते हैं, और अगर आपका मन ना हो तो आप प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। डू नॉट हैव टू परचेज प्रोडक्ट्स एवरी मंथ। हर मैंने सबसे बड़ा जो पेन प्रॉब्लम देखा है, ये प्रॉब्लम देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर को सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, करीब 95-98% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को एक हर महीने एक मिनिमम परचेस जो है वो करनी पड़ती है, कंपलसरी परचेस करनी पड़ती है, मैंडेटरी परचेस होती है, कम से कम 5,000 से 12,000 रुपये या 12,000 से 20,000 रुपये। और इसके कारण उन्हें बोला जाता है कि इस तरीके से आप जो है अपनी रैंक मेंटेन कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो जो आपका रैंक है वो गिर जाएगा, या आपका जो बोलना चाहिए कि आपका जो कमीशन इतने इतने परसेंटेज बन रहा था वो अब गिर के इतने इतने परसेंटेज आ जाएगा। तो ये सारी कंडीशन होती है, एटीवी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका अगला पॉइंट है नो ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ये होता है कि आपकी एक ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग जो है वो प्लेस कर दी जाती है कंपनी की तरफ से, और आपके ना चाहते हुए भी आपकी रीऑर्डरिंग, जैसे ही आपका जो है टाइमलाइन खत्म होता है वैसे ही रीऑर्डर हो जाता है और आपके क्रेडिट कार्ड से जो है पैसा डिडक्ट हो जाता है। फिर कंज्यूमर्स का जो है टोटल कंट्रोल होता है पोर्टल पे, आपको ऑटोमेटिकली कोई ऑटोशिप नहीं दिया जाता है, राइट। इसके बाद में डू नॉट हैव मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज। किसी भी प्रोडक्ट की कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मिनिमम इतने पीसेज ही ऑर्डर करने पड़ेंगे, इतनी इन्वेंट्री आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, इतना मिनिमम अमाउंट का आपको खर्च लेना पड़ेगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। द मेंबर आईडी इज वैलिड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो मेंबर आईडी है ये ग्लोबली जो है वैलिड होती है, और ग्लोबली वैलिड होने का मतलब ये है कि आप एक सिंगल आईडी से ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं, और आपको अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग चार्जेस देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एक कोई ब्रांड है, जैसे हमारा एक ब्रांड है लेजी पैंथर के नाम से, तो हमें जब कोई दूसरी कंट्री में जैसे ही हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था तो हमारे लिए बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमें वहाँ पे
अपनी फॉर्म जो है उसे उस कंट्री में रजिस्टर्ड करना जरूरी था। उसके लिए आप वर्चुअल ऑफिस लेना, फिर उसके वर्चुअल असिस्टेंट लेना, ये सारी चीज़ें दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में अगर आपको ग्लोबल बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्जेस जरूर इन्वॉल्व होते हैं, और एटोमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक सिंगल आईडी के थ्रू ग्लोबली जितनी भी कंट्री में एटोमी जा रही है और अभी एग्जिस्टिंग जितनी भी कंट्री में है उन सारी कंट्रीज में जो है बिजनेस कर सकते हैं। प्री लॉन्च फेज में भी आप अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नो ग्रुप पीवी फ्लशिंग अंटिल कमीशन रिसीव। जब तक ग्रुप पीवी फ्लश नहीं होता है, जब तक आपको कमीशन जो है वो रिसीव ना हो जाए, राइट, जब तक मैचिंग के बाद में आपको कमीशन रिसीव ना हो जाए तब तक अभी भी फ्लश नहीं होता है। नो पर्सनल इनरोलमेंट बोनस। पर्सनल इनरोलमेंट बोनस का मतलब क्या हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी लीडर्स का, कभी बोलना चाहिए मार्केटिंग गुरुज का, या फिर सेल्स गुरुज का, या फिर बोल सकते हैं मोटिवेशन स्पीकर्स का, इनका बिजनेस नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये इंडस्ट्री किसी तरीके से इस तरफ आ गई है, वो बात अलग है। तो पर्सनल इनरोलमेंट बोनस क्या होता है कि आप कितने लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी पे कितने ज़्यादा लोगों को ऐड कर सकते हैं, उसका आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट समझिए, इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि हर व्यक्ति में वो काबिलियत नहीं होती है कि आप बहुत सारे लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा सके और उनसे पार्टनरशिप कर सके, राइट। तो इसके कारण ये होता है कि जो एक स्पेशल लीडर होता है उसी को बार बार जो है बोनसेस मिलते हैं। इसलिए आपको जो सक्सेस स्टोरीज दिखती है मैक्सिमम और जितनी चकाचौंध दिखाई जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो उन सभी 1% लीडर्स की होती है जो इस तरीके से काम करते हैं। तो इसमें कोई टीम वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। तो एटमी में बिल्कुल ये नहीं है कि पर्सनल इनरोलमेंट के लिए आपको अलग से बोनस मिलेगा। एटमी में आप सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ए और बी, लेट से, और ए और बी के नीचे अगर आप लोगों को स्पॉन्सर करने हैं तो आपको ए को स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर आईडी है वो आपका ए हो जाएगा और अगला स्पॉन्सर आईडी जो है वो बी हो जाएगा। तो आपको एनी हाउ ए और बी की हेल्प करनी पड़ेगी, वहां पे आपका कोई पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसका जो फायदा है वो 100% ए को भी मिलेगा और जितना बी को मिल रहा है और जितना आपको मिल रहा है। ठीक है, नो मंथली परचेज पीवी रिक्वायरमेंट। मैंने आपको बताया है कि पर्सनल पीवी का मंथली कोई फिक्स्ड रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने पर्सनल पीवी होना चाहिए। ग्रुप पीवी मतलब आपकी टीम के थ्रू क्या बिजनेस हो रहा है, आपकी डाउनलाइन के थ्रू क्या बिजनेस हो रहा है, आपके पार्टनर्स के थ्रू क्या बिजनेस हो रहा है, और पर्सनल पीवी मतलब आप कितना पर्सनल पीवी एक्युमुलेट कर रहे हो, राइट। इसके बाद में अनलिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट अपॉर्चुनिटी की लिमिट नहीं है क्योंकि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, अनलिमिटेड डाउनलाइन लेवरेज। ये मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस शब्द का जो है अर्थ क्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने ए और बी को स्पॉन्सर किया, आपने अपनी डाउनलाइन में दो मेंबर्स को ऐड किए, एक हो गया ए और एक हो गया बी। अब जैसे ही ए एक नए व्यक्ति को ऐड करता है, मान लीजिए उसका नाम सी है, तो ए को उसका 100% जो है वो पीवीज मिलते हैं, लेकिन आपको भी सी का जो है 100% जो है वो पीवीज मिलता है, राइट। तो इसका फायदा क्या हुआ कि अनलिमिटेड डेप्थ तक, जो हम लोग यूएलएम की बात करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि अनलिमिटेड लेवल ऑफ मार्केटिंग है ये, तो अनलिमिटेड डेप्थ तक जितना नीचे आप जाएंगे नंबर, आप दूसरे लेवल पे आप किसी को ऐड कर रहे हैं, तीसरे लेवल पे कोई व्यक्ति ऐड हो रहा है, चौथे लेवल पे या 10वें या 100वें लेवल पे, जिस भी लेवल पे ऐड हो रहा है उस लेवल पे जितने भी पीवीज वो एक्युमुलेट कर रहा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1,00,000 पीवी से जो है आप प्रोडक्ट परचेस करता है, एटमी के कुछ प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा अच्छे लग जाते हैं और उसने 1,00,000 पीवी के प्रोडक्ट जो है परचेस किए, तो वो पूरे 1,00,000 पीवी का 100% जो एडवांटेज है वो आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या होती है, एमएलएम के कॉन्सेप्ट में काम करती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब क्या है, एक सर्टेन टाइम तक लेवल खत्म होने के बाद में आपको उस नीचे लेवल, उसके बाद में मान लीजिए कि 10वें लेवल के बाद में जो भी व्यक्ति उसके नीचे जुड़ रहा है, जो भी टीम के थ्रू बिजनेस हो रहा है, उसका 100% नहीं मिलता है। फिर वहां पे वो कंडीशन डाल देते हैं कि ये 20% मिलेगा, 30% मिलेगा या इसका 40% मिलेगा, लेकिन एटमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड डेप्थ तक जो है आपको जितने भी मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, जितने भी पीवीज एक्युमुलेट हो रहे हैं ग्रुप के, वो सारे के सारे पीवीज का 100% एडवांटेज। मतलब आपके नीचे 100 लेवल्स हैं, 100 99 लेवल वाले को जो 100% ग्रुप पीवी का एक्युमुलेशन का फायदा मिलेगा, वही 98 लेवल पोजीशन वाले को मिलेगा, और वही कर करके सबसे ऊपर आप बैठे हुए तो आपको भी मिलेगा। तो जितने भी उस नेटवर्क में, जितने भी उस ट्री में जितने भी लोग रहेंगे, उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनलिमिटेड डाउनलाइन लेवरेज।
इसके बाद में अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन फ्रॉम ग्रुप पीवी, ये मैंने आपको बताया, ये लगभग दोनों सेम चीज़ें हैं कि ग्रुप पीवी में आप कितनी भी लेवल पे चले जाइए आपके एक्यूमुलेशन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इनकम सीलिंग, और इनकम सीलिंग के बारे में हम लोग एक बात करेंगे क्योंकि इनकम सीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है इनकम सील होना, क्योंकि अगर इनकम काफ़ी नेटवर्क मार्केटिंग जो बोलती है कि हमारे पास में अनलिमिटेड जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, या बहुत सारे आपने ऐसी कंपनी देखी होंगी जिनमें लोग बोलते हैं कि हमारे जो टॉप अर्नर्स हैं वो इतना कमा रहे हैं, तो एटमी के बारे में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको एटमी के टॉप अर्नर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एटमी की एक सीलिंग है, उसका मैं कारण बताता हूँ कि क्या कारण है और क्यों सीलिंग है। अब स्टार्ट करते हैं गाइज पॉइंट वैल्यू के बारे में डिस्कशन करना। पॉइंट वैल्यू क्या है? पॉइंट वैल्यू हर प्रोडक्ट जो भी आप परचेस कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आपको एक आसान शब्दों में बोलूँ तो पॉइंट मिलते हैं। तो मान लीजिए कि, और ये पॉइंट पैसे पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट वैल्यू की कीमत इतनी है, बिल्कुल इस तरीके से बात नहीं है। ये ऐसा है कि जिस जिस कंट्री में जो जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उस कंट्री की डेमोग्राफिक्स, उसके टैक्सेशन और उस कंट्री की जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से पॉइंट वैल्यू जो है डिसाइड होता है। और अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो एटमी में दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपैरिजन में जो पॉइंट वैल्यू मिलते हैं वो लगभग ज़्यादा मिलते हैं। इसको मैं एक आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको 10,000 पीवी की एक 10,000 पीवीज अगर आपको लेने हैं एटमी से, तो 10,000 पीवी की लगभग जो कॉस्टिंग जाती है वो करीब करीब 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में जाती है। ये मैं टेंटेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक प्रोडक्ट के डीपी प्राइस और अदर चीज़ें नहीं आई हैं। तो करीब करीब 1,500 से 2,000 रुपए अगर आप यूएसए में देखेंगे, तो सिर्फ दूसरी कोई कंट्री में देखेंगे तो हो सकता है 1,500 रुपए में या 1,400 रुपए में या 1,700 रुपए में आपको जो है 10,000 पीवी मिल जाते हैं। और जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप जिस भी कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में 10% ये बात है कि 10,000 पीवी इतने कम दामों में मिलते नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको लाखों में जो पीवी जनरेट करने हैं तो वो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट लग रहा है वो अमाउंट बाकी सभी कंपनी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी चीज़, ये जो बिजनेस जनरेट होता है वो बिजनेस पूरा पॉइंट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो पॉइंट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करने का मतलब होगा अगर पॉइंट वैल्यू बनाना आसान है तो जाहिर सी बात है कि आपको बड़ा पॉइंट वैल्यू बनाने में भी आसानी मिलेगी। अब आते हैं गाइज हम लोग फाइनली कंपनसेशन प्लान पे। तो एटमी का कंपनसेशन प्लान दुनिया का वेल बैलेंस्ड प्लान है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बहुत न्यायपूर्ण जो है प्लान में, आई थिंक सही बोल रहा हूँ, ये एक बहुत न्यायपूर्ण प्लान है। न्यायपूर्ण प्लान होने का मतलब है सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, कंपनी जो है एक सर्टेन मार्जिन बना सके, कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो सभी एक अच्छा मार्जिन बना सके, कंपनी को लॉन्ग टर्म 100 ईयर्स और जो भी प्लानिंग है उस हिसाब से रन किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूटर जो है 100 साल तक टिका रह सके। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे विजन कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब प्लान वेल बैलेंस्ड होगा। अगर प्लान वेल बैलेंस्ड नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि या तो डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो जाएंगे काम कर एक सर्टेन टाइम तक काम करने के बाद में स्विच कर जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी अगर कंपनी मार्जिन नहीं बनाएगी। तो दोनों तरफ बैलेंस होना जरूरी है, किसी को भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता। बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मार्जिन देने की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देने की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो पैसा नहीं दिया जाता है, और अगर दे भी देती है कोई कंपनी तो मान के चलिए कि उस कंपनी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल रहेगी, ठीक है। तो कंपनी तीन तरीके से आपको जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस और सेंट्रल कमीशन। ये तीनों कैलकुलेट होते हैं टोटल सेल्स पीवी जो जनरेट हो रहे हैं उसके वॉल्यूम के हिसाब से। तो पहले जनरल कमीशन में आपको मिलता है 44%, मास्टरशिप बोनस में मिलता है 20% और सेंट्रल कमीशन में मिलता है 6%। और ये होता है दो तरीके से मैं इसको जो है अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके समझाने की कोशिश करूंगा। एक मैं आपको बताने जाऊंगा टोटल सेल्स पीवी के हिसाब से, और एक मैं आपको बताऊंगा टोटल रेवेन्यू के हिसाब से। तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो गाइज एटमी का कंपनसेशन प्लान क्या है? एटमी एक सिंपल बाइनरी प्लान है। सिंपल बाइनरी प्लान का मतलब क्या है? मार्केट में बहुत टाइप के प्लान अवेलेबल हैं, जैसे आप यूनी लेवल प्लान के बारे में सुना होगा, फोर्स मैट्रिक्स प्लान हो गया, एफिलिएट प्लान हो गया, इस तरीके के बहुत सारे प्लान, जनरेशन प्लान के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारे प्लान जो है मार्केट में अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है इन सभी प्लान में? इन सभी प्लान की प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लीडर्स उन्हें पता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी चीजें टफ हैं या कॉम्प्लिकेटेड हैं तो वो डुप्लीकेट नहीं की जा सकती हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आसान चीजों का डुप्लीकेशन है। अगर चीजें आसान नहीं है और डुप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी जो है, बाइनरी सबसे ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट होता है। एक बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको अगर आपके दो फैमिली मेंबर्स
ध्यान रखना है। और अगर आपको यहीं पे 10 फैमिली मेंबर, 8 फैमिली मेंबर, 4 फैमिली मेंबर, 5 फैमिली मेंबर का ध्यान रखना है तो आपको ज़्यादा परेशानी कहाँ होगी? ज़्यादा परेशानी होगी आपको एक बड़ी फैमिली का ध्यान रखने के लिए, राइट। और इसी तरीके से अगर आपकी सिर्फ 2 मेंबर्स की फैमिली है तो बहुत आसानी से जो है आप उनका भरण पोषण कर सकते हैं और उसको आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब बाइनरी प्लान, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में बहुत सारे बाइनरी प्लान हैं, लेकिन एटमी का बाइनरी प्लान आज तक पिछले 10-11 साल में आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। अगर आपने देखा होगा दुनिया के सभी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में ये होता है कि कुछ साल तक वो काम करते रहते हैं और अपडेट कर देते हैं, उसके बाद में कोई ना कोई चेंजेस करना पड़ता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि कंपनी कभी भी 10 साल बाद की सिचुएशन के हिसाब से प्लान नहीं सोचती है और इसलिए उन्हें हमेशा प्लान अपग्रेड करना पड़ता है। और वही मैंने बताया कि वेल बैलेंस सिचुएशन के हिसाब से जो है वो प्लान सोचे नहीं जाते हैं कि कंपनी भी फायदा कमाए और डिस्ट्रीब्यूटर, तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा दिया जाता है। इसके बाद में जैसे ही समझ में आता है कि कंपनी मार्जिन नहीं कमा रही है तो कंपनी अपना प्लान स्विच कर देती है, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कम हो जाता है। लेकिन जब तक डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कम हो जाता है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर पैसा अच्छा बना रहे थे वो डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के जाने लगते हैं और कंपनी तब तक पैसा नहीं बना पाती और कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है। तो ये मेजर कारण होता है किसी भी कंपनसेशन प्लान में, और बाइनरी सबसे ज्यादा आसान प्लान माना जाता है जिसे आसानी से डुप्लीकेट किया जा सकता है और एक बड़ा जो कंपाउंड इफेक्ट है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो गाइज ये एक इसका मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसका लाइनेज सिस्टम है। मैं बहुत आसानी से और कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि बाइनरी मतलब 2 लेग का प्लान है, और 2 लेग का प्लान है तो आपका जो बिजनेस है वो काउंट होता है पीवी के हिसाब से कि आप अपने नीचे लेफ्ट और राइट ग्रुप में कितने ज़्यादा से ज़्यादा पीवी कर सकते हैं और कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे ही आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए कि किसी ने 10,000 पीवी के प्रोडक्ट आपके टीम में जुड़ के खरीदा, इसके बाद में उसने जिस व्यक्ति को ज्वाइन किया उसने 50,000 पीवी के प्रोडक्ट्स खरीदे, उसके बाद में उसने जिस व्यक्ति को ज्वाइन किया उसने 50,000 पीवी के प्रोडक्ट खरीदे, इसी तरीके से नो मैटर आपकी दुनिया में कहीं पे भारत के बाहर पहचान हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी आपकी टीम में काम कर रहे हैं उनमें किसी ना किसी की पहचान होगी। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे साथ में हुआ। मेरी टीम जो मैंने पहला एक वीडियो रिकॉर्ड किया था उस समय पे मेरी टीम करीब करीब 7 कंट्रीज में थी, अभी मेरी टीम करीब करीब 9 कंट्रीज में पहुंच चुकी है ना। और उसमें से मैक्सिमम अगर आप मानेंगे तो 99% जो लोग कनेक्ट हुए वो मेरे थ्रू नहीं हुए हैं, वो बाकी मेरी जो टीम है और मेरी टीम के थ्रू जो जो डाउनलाइन है उनके जो कनेक्ट उनके थ्रू वहां तक जो है बिजनेस मेरा पहुंचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया है अनलिमिटेड लेवल तक, तो अनलिमिटेड लेवल का होने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप यहां पर हैं और कनाडा से एक लाख पीवी का जो है प्रोडक्ट्स परचेस करके आपके साथ में जुड़ रहा है, तो इस 1 लाख पीवी का फायदा इसके इमीडिएट स्पॉन्सर, ये जो इसकी इमीडिएट स्पॉन्सर है इसको मिलेगा, वही 1 लाख पीवी का फायदा उसके ऊपर वाला जो स्पॉन्सर है उसको मिलेगा, वही 1 लाख फायदा ये ए को मिलेगा और वही 1 लाख पीवी का फायदा जो है आपको मिलेगा। तो इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लेवल तक जो पीवीज है उसका पूरा फायदा मिलना है, तो 100% फायदा मिलता है। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में क्या होगा, लेट से 1 लाख पीवीज एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इमीडिएट स्पॉन्सर को, ये जो इमीडिएट स्पॉन्सर है इसको 1 लाख पीवी का पूरा फायदा मिल जाएगा, उसके ऊपर वाले को उसका 50%, उसके ऊपर वाले को 25%, उसके ऊपर वाले को 20%, उसके ऊपर वाले को जाके 10%, 5% और एक लेवल पे जाके वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो ऊपर जाने पे जो पीवीज का एक्यूमुलेशन है ग्रुप पीवीज का वो कम होते जाता है, ठीक है। और यही कारण होता है, डिफरेंस होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग और अनलिमिटेड मार्केटिंग। आई होप अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि जो हम लोग यूएलएम की बात कर रहे थे वो यूएलएम क्या है। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं जनरल कमीशन की, ठीक है। जनरल कमीशन मैंने आपको बताया कि टोटल जो पीवी सेल होता है और उसका टोटल 44% जो है जनरल कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जनरल कमीशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर वीक में मिलता है और डिपेंड करता है कि ग्लोबल करेंसी रेट क्या है, और ये जो पूरी कैलकुलेशन होता है वो वॉन में किया जाता है। वॉन मतलब साउथ कोरिया की करेंसी है, उसकी करेंसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है और उसमें इंडिया में जो भी उसका रेट डिसाइड होता है उस रेट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये डीलरशिप जो है वो डीलरशिप को 5 भागों में बांटा गया है। पहली डीलरशिप है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपको पर्सनल पीवी 10,000 करना जरूरी है। 10,000 पीवी करने के बाद में आप ग्रुप पीवी एक्यूमुलेट करने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं और इनकम जनरेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद में जैसे ही आपके ग्रुप पीवी जैसे ही आपके 3 लाख 3 लाख लेफ्ट एंड राइट मैच कर जाते हैं, ग्रुप पीवी मतलब आपकी डाउनलाइन में जो भी मेंबर्स काम कर रहे हैं तो वो सारे मेंबर्स टोटल जैसे ही 3 लाख पीवी मैच करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 5 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट की लगभग वैल्यू जो है वो $5 होती है। मैं अभी डॉलर के हिसाब से भी बताऊंगा और रुपीज़ के हिसाब से भी बताऊंगा, तो लगभग $5 होती है। ये डिपेंड करता है एक एन फैक्टर पे, वो एन फैक्टर के बारे में मैं बात करूंगा, एन वैल्यू के बारे में मैं बात करूंगा। तो
5 पॉइंट मिलने पे आपको टोटल $25 मिलता है। $25 का मतलब होता है लगभग 1750 रुपए। ये लगभग 1750 है क्योंकि ये 1750 से प्लस भी हो सकता है, 1750 से माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कंप्लीटली एन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और एन फैक्टर को लेके मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में एन फैक्टर समझाने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिला के 10,000 सेल्फ पीवी किया आपने, 3 लाख 3 लाख लेफ्ट एंड राइट मैच किया। अगर आपका बड़ा ग्रुप है और आपका डेली मैचिंग हो रहा है तो आप डेली 1750 रुपए बना सकते हैं, और अगर आपका छोटा ग्रुप है और मान लीजिए कि कुछ टाइम के बाद में, मान लीजिए कि 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, या 5 दिन में आपका जो है मैचिंग हो रहा है, तो आप 5 दिन में 1750 रुपए बनाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से जब जब मैच होगा तब तब आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, जैसे कोई डेली मैचिंग बोनस बोलता है तो उन्हें लगता है कि एक बार 3 लाख पीवी मैच करना है, उसके बाद तक मिलेगा और हर दिन मिलता रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे जैसे कंपनी को आप बिजनेस देंगे वैसे वैसे कंपनी जो है आपको रिटर्न कमीशन पे करना स्टार्ट करेगी। इसके बाद में सेकंड जो डीलरशिप रैंक है वो है एजेंट। एजेंट के लिए आपके पर्सनल पीवी 3 लाख होने चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं, एक हो गया 3 लाख पीवी आपके पर्सनल हो, दूसरा तरीका है पिछले महीने आपके जो ग्रुप पीवी की जो वीकर लैग है वो कम से कम 6 लाख पीवी पे होनी चाहिए, मतलब 6 लाख पीवी लेफ्ट और 6 लाख पीवी राइट मैच होना चाहिए, तो भी आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं एजेंट की रैंक को। एजेंट की रैंक के बाद में यहाँ पे जो 3 लाख 3 लाख पीवी लेफ्ट और राइट मैच करने के बाद में आपको 1750 रुपये बन रहा था, यहाँ पे सेम 3 लाख 3 लाख पीवी मैच करने के बाद में आपको टोटल 15 पॉइंट मिलते हैं। इस 5 पॉइंट की जगह पे 15 पॉइंट मिलते हैं, और हर पॉइंट की मैंने आपको कीमत बताया हूँ $5 है, तो टोटल $75 बन जाता है। $75 मतलब 5,250 रुपये, ये प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड करता है ग्लोबल करेंसी और इसके बाद में एक्सचेंज रेट, इसके अलावा जो है एन फैक्टर उस चीज़ पे, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबली कैलकुलेट होता है, राइट। तो सिंपल से चीज़ है कि जहाँ पे आपको 1750 रुपये मिल रहे थे, अगर आपकी रेगुलर डेली मैचिंग हो रही है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, या तो आप अपना पर्सनल पीवी अपग्रेड कर सकते हैं स्लोली स्लोली, क्योंकि आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको समझ में आएगा कि आपकी टीम बड़ी होती जा रही है तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि इतना मेरा डेली मैचिंग जा रहा है, 2 दिन में मैच हो रहा है, 3 दिन में मैच हो रहा है, या हफ्ते भर में मैच हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना जो है डीलरशिप रैंक जो है अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो डीलरशिप रैंक है वो है स्पेशल एजेंट का। स्पेशल एजेंट के लिए आपका पर्सनल पीवी 7 लाख पीवी होना जरूरी है, और इसका दूसरा तरीका यह है कि या आप ये कर सकते हैं कि पिछले महीने का आपका पीवी जो है मिनिमम 14 लाख लेफ्ट और 14 लाख राइट होना चाहिए, तो भी आप इस रैंक का फायदा उठा सकते हैं। और जैसे ही आपके 7 लाख 7 लाख लेफ्ट एंड राइट मैच हो जाते हैं, 1 दिन में मैच होगा तो 1 दिन में, 2 दिन में मैच होगा तो 2 दिन में, जितने दिनों में मैच होगा उतने दिनों में आपको 30 पॉइंट मिल जाएंगे, और जैसे ही आपको 30 पॉइंट मिलेंगे तो उसकी 1 पॉइंट की कीमत है $5, तो टोटल पॉइंट बनेंगे, टोटल जो इनकम बनेगी वो $150 बनेगी, मतलब 10,500 रुपये। तो या तो आप डेली 10,500 रुपये उठा सकते हैं, या जब भी मैच होगा आप तब तब जो है 10,500 रुपये उठा सकते हैं। इसके बाद में अगली जो डीलरशिप रैंक है वो है डीलर की। डीलर की रैंक के लिए आपके पर्सनल पीवी 15 लाख होने चाहिए, या फिर आपकी लेफ्ट और राइट की पिछले महीने की जो मैचिंग है वो 30-30 लाख लेफ्ट एंड राइट होना चाहिए। और इसके लिए जैसे ही आपके 15 लाख लेफ्ट और 15 लाख राइट पीवी मैच हो जाते हैं तो आपको टोटल 60 पॉइंट मिलते हैं, एक एक पॉइंट की कीमत जो है वो करीब करीब $5 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप $300 बनाएंगे, और $300 के हिसाब से आपको टोटल जो इनकम मिलेगा वो मिलेगा 21,000 रुपये। अगर 15 लाख पीवी डेली मैच हो रहे हैं तो डेली 21,000 रुपये, या 15 लाख पीवी अगर एक दो दिन, एक हफ्ते, दो हफ्ते, या फिर एक महीने में मैच हो रहे हैं तो उस हिसाब से आपको इनकम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, अगली जो डीलरशिप रैंक है, इसके लिए आपको टोटल 24 लाख पीवी करने हैं, और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में आपका पर्सनल पीवी का एक्युमुलेशन लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद में आप अगर कंपनी से खरीदारी भी करेंगे तो आपको कोई भी पर्सनल पीवी उसका एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और इसके बाद में कोई पर्सनल पीवी जो है एक्युमुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सारे एड ऑन पॉइंट्स होते हैं, सारे एड ऑन पीवीज होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये फ्लश आउट होते हैं। पर्सनल पीवी कभी भी फ्लश आउट नहीं होते हैं एटमी में, पर्सनल पीवी हमेशा वैसे के वैसे बने रहते हैं, ठीक है। अब 24 लाख पीवी जैसे ही आपके बन जाते हैं तो एक तरीका ये हो गया है कि या तो आप 24 लाख पर्सनल पीवी करें, दूसरा तरीका ये हो गया है कि आप अपने लेफ्ट एंड राइट पे पिछले महीने की मैचिंग जो है 48 लाख 48 लाख पीवी की कर लें, और जैसे ही ये हो जाता है तो 24 लाख लेफ्ट और 24 लाख राइट पीवी मैच होने पे आपको टोटल पॉइंट्स जो मिलते हैं वो 90 पॉइंट्स मिलते हैं, और 90 पॉइंट्स मिलने के बाद में आपको एक एक पॉइंट की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है $5, मतलब $450 जो है आप कमा सकते हैं, मतलब 31,500 रुपये आप बना सकते हैं।
इसी तरीके से उसी में आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर में 60 लाख 60 लाख पीवी लेफ्ट एंड राइट मैच करने पे 150 पॉइंट मिलते हैं। $750 का इनकम होता है, 52,500 रुपये जो है आप पर डे का उठा सकते हैं। इसके बाद में अगला जो है उसमें 2 करोड़ लेफ्ट और 2 करोड़ राइट पीवी मैच होने पे आपको 250 पॉइंट मिलते हैं। $1,250 के आसपास का आपको टोटल इनकम होता है और 87,500 रुपये इंडियन करेंसी में जो है आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट जो सीलिंग कैप है वो कैप है 5 करोड़ पीवीज की। 5 करोड़ पीवी लेफ्ट और 5 करोड़ पीवी राइट जैसे ही मैच होते हैं तो आपको 300 पॉइंट मिलते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम इनकम आपकी जनरल कमीशन में मैचिंग के थ्रू पहुंचती है वो $1,500 पहुंचती है, और इससे जो आप पैसा बना सकते हैं इंडियन करेंसी में वो करीब करीब 1 लाख बना सकते हैं। तो ये गाइज है मैक्सिमम सीलिंग, और इसके बाद में मैक्सिमम सीलिंग के बारे में आपसे बात करूंगा। तो गाइज ये है एन फॉर्मूला, एन फॉर्मूला के बारे में बताया, इसे एन वैल्यू बोलते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि एन फॉर्मूले के लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊं। तो एन फॉर्मूला से फायदा क्या होता है, मैं उसे फायदा समझा देता हूं, बाकी फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला है। एन फॉर्मूला से फायदा ये होता है कि कभी भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक बड़ी जो टीम होती है उस बड़ी टीम के बड़े पीवीस फ्लश आउट होते हैं। बड़े पीवीस फ्लश आउट होने का मतलब जैसे ही मैच हो जाता है, मैच होने के बाद में आपको कमीशन मिल गया, उसके बाद में जो सरप्लस पीवी होते हैं वो फ्लश होकर जो है ग्लोबल टर्नओवर पे ऐड होते हैं। ग्लोबल टर्नओवर के पे ऐड होने के बाद में उन पीवीज को एन फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और उसका भी एक सर्टेन जो इनकम है वो आपको मिलता है। इसी हिसाब से सारा का सारा जो है पर डे का इनकम कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी क्रॉस टीम बढ़ रही है, अगर आपकी इंटरनेशनल टीम में भी कोई क्रॉस टीम है, अपलाइन है, और उनके बड़े बड़े जो पीवीज हैं, ग्रुप पीवीज मैच होने के बाद में जो फ्लश आउट पीवीज हो रहे हैं वो सारे के सारे पीवीज कैलकुलेट होकर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो ये दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं होता, क्योंकि बाकी कंपनीज में ऐसा होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद में पूरे पीवीज फ्लश आउट हो जाते हैं और वो सीधा सीधा कंपनी के जो प्रॉफिट में जुड़ जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहां पे उसकी टोटल वैल्यू वापस कैलकुलेट होकर जो है आपको मिलती है। ओके गाइज, अब हम लोग बात करते हैं फेयर सीलिंग कैप सिस्टम की। तो फेयर सीलिंग कैप सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया है कि जनरल कमीशन में आप मैक्सिमम जो है $1,500 पर डे तक बना सकते हैं, और $1,500 पर डे तक का बनाने का मतलब होता है लगभग आप करीब करीब 1 लाख रुपए कैश फ्लो बना सकते हैं। अब दो चीजें समझिए, ये होता है ट्रेडिशनल एमएलएम मॉडल और ये है तो है एटमी का यूएलएम मॉडल। तो एमएलएम मॉडल में क्या होता है, एमएलएम मॉडल एक ट्रायंगल या एक पिरामिड की तरीके से काम करता है। आपने पिरामिड स्कीम सुनी होगी, ठीक है, पिरामिड की तरीके से काम करता है। तो उसमें यह होता है कि जो भी व्यक्ति उस सिस्टम में पहले जुड़ा होता है उसे एक अर्ली अडॉप्टर के तौर पे अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाती है, और उसके बाद में जितने भी लोग आते हैं वो डाउनलाइन में काम करते रहते हैं, और हमेशा इन डाउनलाइन वालों को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि एक दिन वो इस पर्टिकुलर पोजिशन पर पहुंचेंगे जहां पर वो 1% लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉजिकली और प्रैक्टिकली और आप सारे कैलकुलेशन करके देखिएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये सब उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है, ये एक तरीके से भ्रम में रखा जा रहा है। तो क्या होता है, मान लीजिए कि ऊपर के लेवल पर बैठा हुआ व्यक्ति 1 करोड़ रुपये महीना बना रहा है और नीचे के लेवल पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है डिस्ट्रीब्यूटर वो करीब करीब 1 लाख रुपये महीना बना रहा है। तो जब आप भी ये सपना देखेंगे कि आप 1 करोड़ रुपये महीना बनाएं, तो ये 1 करोड़ रुपये महीना से जंप होकर 10 करोड़ रुपये महीना बनाना स्टार्ट करेगा, राइट, और तब तक आप 1 करोड़ रुपये बनाएंगे। मतलब आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों ने अपने लिए हुए हैं, चॉपर लिए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने आइलैंड भी खरीदे हैं इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में। इसलिए आपको एटमी में एटमी को जो भी ये वो बोलता है कि आपके टॉप अर्नर्स क्या हैं, तो आपको टॉप अर्नर्स की कोई लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एक सीलिंग कैप है, और वो सीलिंग कैप जरूरी क्यों है वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो यहाँ पे ये होता है ट्रेडिशनल एमएलएम मॉडल, तो कभी भी आप इस पोजीशन पे नहीं बैठ पाएंगे, और इसका एक साइड इफेक्ट ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के 1% लोग हैं उसी पे कंपनी पूरा अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी। एटमी में ऐसा नहीं होता, एटमी में आपने किसी भी समय शुरुआत क्यों ना की हो, किसी भी समय आपने शुरुआत की हो, सभी लोगों को जो जाके एक पॉइंट पे मिलना है, वो पॉइंट ये है कि आपने मान लीजिए 7 साल पहले शुरू किया है, 2 साल पहले, 5 साल पहले शुरू किया है, 1 महीने पहले शुरू किया है, 10 महीने पहले शुरू किया है, किसी भी समय पे आपकी स्पीड क्या है, उस स्पीड के हिसाब से आप ये जनरल कमीशन का मैक्सिमम 1 लाख रुपए प्रतिदिन तक ही टच कर सकते हैं। ठीक है, और 1750 रुपए पर डे से स्टार्ट करके। तो ये मैक्सिमम सीलिंग कैप है। बाकी सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, ये सीलिंग कैप ना होने की वजह से। अगर इसे यहाँ पे सील कर दिया जाता तो आप सभी लोग जो है यहाँ पे मिलते,
हर व्यक्ति की एक इक्वल इनकम होती है, जिसे मैं बोलता हूँ फेयर इक्वल, जो फेयर सिस्टम है वो फेयर सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका कारण ये होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो टॉप क्रीम है 1%, वो ज्यादा से ज्यादा इनकम बनाएगी और वो इस तरीके से आपको बताएगी कि आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अगर आप 10 रुपये बनाना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वाला 1,000 रुपये बनाना स्टार्ट कर देगा, फिर जब आप 1,000 रुपये बनाने वाले पोजिशन में पहुंचेंगे तो ऊपर ऊपर वाला जो है आपकी अपलाइन जो है वो 10,000 रुपये बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फेयर सीलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि फेयर सीलिंग सिस्टम नहीं होगा तो एक तो टॉप क्रीम को ही इंटरटेन किया जाएगा, जो कंपनी की टॉप 1% लोग हैं उन्हीं को ही इंटरटेन किया जाएगा। दूसरा, इसके कारण कंपनी बैंकरप्सी की स्टेज भी जो है वो फेस कर सकती है, क्योंकि उसमें कोई लिमिटेड लिमिट नहीं है, और लिमिट नहीं है तो जाहिर सी बात है अनलिमिटेड नाम की कोई भी चीज डिफाइन नहीं है, ठीक है। और अनलिमिटेड चीज कोई भी डिफाइन नहीं है तो कभी ना कभी उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी, या तो इन फ्यूचर उनको अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ता है। तो गाइज, ये मैं सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा था कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में है वो इस तरीके से बिहेव करता है। कंपनी का जो मेजर प्रॉफिट होता है, ये येलो वाला मार्क देखिएगा, जो ये पीले कलर से मार्क किया हुआ है मैंने, जो कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने 1% डिस्ट्रीब्यूटर से उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो कंपनी का सबसे कम पैसा होता है वो कम पैसा कंपनी के सबसे ज्यादा मेंबर्स, मतलब करीब करीब 99% मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 15 साल 20 साल से काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो 15,000 20,000 रुपये 30,000 रुपये से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, जबकि ये जो 1% लोग हैं, ये 1% लोग इतना कमा लिए हैं कि वो अपने प्राइवेट जेट ले चुके हैं, वो अगर आप मान लीजिए कि आप ऑडी ले रहे हैं तो वो हो सकता है कि और उससे जो बड़ी कार है 20 करोड़ की कार उसमें स्विच हो जाए, राइट। तो वो सिर्फ इकलौते जो है वो लग्जरी एंजॉय करते हैं, और एमएलएम का सिस्टम ये नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी इसको मिले। अगर सिर्फ लीडर्स को ही सक्सेसफुल होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग फिर कंज्यूमर्स के लिए क्यों बनाया गया था, राइट। इसका जब फर्स्ट डे रहा होगा कभी नेटवर्क मार्केटिंग का, तो वो एक प्योर मॉडल रहा होगा कि एक कस्टमर को सक्सेसफुल करना है, और एटमी यही जो माइंडसेट है वो फॉलो करती है। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं मास्टरशिप बोनस की। तो मास्टरशिप बोनस क्या है, जनरल कमीशन के बाद में मास्टरशिप बोनस क्या है, ग्लोबल टर्नओवर का टोटल 20% जो है वो मास्टरशिप रैंक में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टोटल 7 रैंक है, 7 रैंक में सेल्स मास्टर को अकेले टोटल मास्टरशिप बोनस का जो है 50% मिलता है। 50% मिलने का मतलब इस 20% का 50%, मतलब 10%, ठीक है। तो टोटल सेल्स मास्टर को ही इसका 50% मिल जाता है, बाकी इसके बाद में डायमंड मास्टर, सेवन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर, इन सभी को मिला के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का सिर्फ 10% मिलता है, ठीक है। ये एक और कारण है जिसके कारण से कंपनी में जो शुरुआती दौर पे जो जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं, और इसी के कारण एटमी में जो लीडर्स का सक्सेस रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे टॉप अर्नर्स देखने को नहीं मिलेंगे बहुत बड़ा कि एक व्यक्ति जो है 100 करोड़ रुपये बना रहा है या इस तरीके से, लेकिन आपको यहाँ पे सक्सेस स्टोरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। 1% की जगह पे आपको सक्सेस स्टोरी जो देखने को मिलेगी वो 50 से 70% के आसपास है, ठीक है। और 50 से 70% के बीच में अगर आपको जो सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलेगी उसमें से भी मैक्सिमम 80% लोग लगभग सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं, नॉर्मल कंज्यूमर, कोई भी लीडर नहीं है, कोई एमएलएम का एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे इस प्रकार के लोग नहीं है। मैक्सिमम लोग जो है 80% लोग वो नॉर्मल कंज्यूमर है, नॉर्मल कस्टमर है, ठीक है। और यही एमएलएम का बेसिक जो रूल है कस्टमर की सक्सेस पर फोकस करना, ठीक है। तो ये होता है सेल्स मास्टर का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने ये मास्टरशिप बोनस डिवाइडेशन जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से जो है ये जो 10% वो 20% जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो 20% इस तरीके से डिवाइड होता है। 10% सेल्स मास्टर को मिलता है, 5% डायमंड मास्टर को, 2% सेवन रोज मास्टर को, 1.2% स्टार मास्टर को, 1% रॉयल मास्टर को, 0.5% क्राउन मास्टर को, 0.3% इंपीरियल मास्टर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि आपका बेसिक फाउंडेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है वो होता है पहली रैंक अचीव करना। टॉप रैंक अचीव करना कभी भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। जैसे आपने पहली रैंक अचीव कर ली, आपकी टीम ऑटोमेटिकली ऑटोमेट हो जाती है, और धीरे धीरे आप सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक में एक ना एक समय के बाद में, डिपेंड करता आपकी स्पीड क्या है, एक ना एक समय के बाद में 110% वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। और एटमी में, एटमी का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल्स मास्टर निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपीरियल मास्टर निकलने के चांसेस है। अगर इंपीरियल मास्टर को इसको
इसको इक्वल इक्वेशन कर दी जाती, इसको अपोजिट इक्वेशन कर दी जाती, सॉरी इसको अपोजिट अगर इक्वेशन कर दी जाती तो आप समझ सकते हैं कि इंपीरियल मास्टर्स ज़्यादा प्रॉफिट बनाता और वो सिमिलर मॉडल हो जाता जैसा दुनिया की बाकी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि मैक्सिमम जो 99% डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्विट कहाँ पे करते हैं, या तो वो कभी सिस्टम समझ ही नहीं पाते हैं, सिस्टम की शुरुआत ही नहीं करते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि जो उसकी पहली रैंक है उस रैंक तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर वो क्विट कर देते हैं। तो एटमी का फोकस होता है कि उस जगह पे लोगों को किसी भी तरीके से सपोर्ट दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है उस जगह पे दिया जाए ताकि वो इंपीरियल मास्टर की स्टेज तक पहुंच सके। तो ये है इनकम सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटमी में जो ये है टोटल किसी दूसरी कंपनी के हिसाब से अगर समझेंगे तो अगर आप इसको एक मेजर प्रॉफिट मार्जिन समझेंगे तो ये मेजर प्रॉफिट मार्जिन जो है टॉप लेवल और टॉप रैंक अचीवर्स को मिलता है। एटमी में ऐसा नहीं होता है, जितना आप ऊपर पे जाते हैं उतना आपका मार्जिन जो है वो कम होते जाता है, लेकिन आपकी टीम साइज इतनी बड़ी होती है उस समय पे कि एक छोटे मार्जिन पे भी एक बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको एट दी एंड ग्लोबल टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज मिल रहा है। तो ग्लोबल टर्नओवर का परसेंटेज होने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कंपनी अलग अलग कंट्रीज में लॉन्च होगी 15 डेज में जैसे जैसे ग्लोबल टर्नओवर प्लस होगा वो ग्लोबल टर्नओवर का फायदा जो है वो आपको मिलना शुरू होगा, राइट। और जितनी कंट्रीज में जितनी ज्यादा कंट्रीज में जाएगी, जैसे अभी सिर्फ चाइना में लॉन्च हुई है तो चाइना और इंडिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का करीब 42-45% जो है वो चाइना में और चाइना और इंडिया में ही है, तो ये बहुत बड़े मार्केट है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के काम करने के लिए। तो जैसे ही अब चाइना से निकलने के बाद में हर साल एटमी करीब 5-7 कंट्रीज में लॉन्च होती रहती है, तो मान लीजिए कि हर साल 15 दिन का ग्लोबल टर्नओवर प्लस होगा, इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम जो है वो प्लस होता रहेगा, राइट। लास्ट इनकम जो है गाइस वो है एजुकेशन सेंटर कमीशन। एजुकेशन सेंटर कमीशन जो है, एजुकेशन सेंटर बेसिकली क्या है, एजुकेशन सेंटर कंपनी का मोटो है ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देना ताकि हर छोटे से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जो है एजुकेशन पहुंच सके, और उस एजुकेशन के जो और बाकी की चीज़ें हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन सेंटर से आप 6% तक अर्न कर सकते हैं। एजुकेशन सेंटर का मेन रोल रहता है कंपनी को सपोर्ट करना, मेंबर्स को एजुकेट करना, प्रोडक्ट्स वगैरह के डेमो देना, सारी डिटेल्स देना, इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को हेल्प करना उनके बिजनेस ग्रो करने के लिए। इसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एटमी ऑफिशियल इंडिया का एक यूट्यूब चैनल है, YouTube चैनल पे आपको एटमी एजुकेशन सेंटर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि एजुकेशन सेंटर के लिए अप्लाई करना बिल्कुल इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि आपको सिस्टम के बारे में कितना नॉलेज है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन सेंटर के लिए जो एप्लीकेशन है वो उसको इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा गया है। प्रॉपर आपको एक टेलीफोनिक राउंड क्लियर करना पड़ता है, एक रिटर्न राउंड क्लियर करना पड़ता है, इसके बाद में एक वीडियो राउंड बनाया जाता है, और इस तरीके से जो है वो किया जाता है ताकि एजुकेशन जो है बहुत क्वालिटी एजुकेशन जाए, क्योंकि एक ही जगह से अप्लाई करने वाले हो सकता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है, कौन उस एजुकेशन सेंटर को जस्टिफाई कर सकता है, उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर एजुकेशन जो है सेंटर सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से दे दिया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है सही एजुकेशन नहीं दे पा रहा है तो कंपनी का जो मेन मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन सेंटर में बैठा हुआ जो लीडर है या एजुकेशन सेंटर को लीड करने वाला जो लीडर है उसे एक बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अच्छा नॉलेज जो है वो डुप्लीकेट कर सके अपनी टीम में और क्रॉस टीम में। ओके गाइस, तो मैंने आपको सबसे पहले एक बताया था कि एटमी अपने टोटल पीवी सेल्स का जो है 70% डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एटमी अपने टोटल रेवेन्यू का, अगर उसी को आप रेवेन्यू में कैलकुलेट करोगे कि मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर कंपनी $100 बिलियन का मार्क टच करती है तो करीब करीब 35% के आसपास मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो है 35% सेल्स जो है वो आप लोगों तक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा दी जाती है। तो 35% का मतलब क्या हो गया, $35 बिलियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है एटमी का मॉडल। अब आप समझिए दूसरी कंपनी के मॉडल, दूसरी कंपनी के मॉडल में क्या होता है, आपको बताया जाता है कि 50, मान लीजिए कि कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, कंपनी ए में बताया जाता है कि आपको कंपनी का 50% मिलेगा। अब कंपनी उसको डिवाइड कर देती है अलग अलग चीज़ों में, स्पॉन्सरशिप बोनस में, लीडरशिप बोनस में, एजुकेशन बोनस में, जनरल कमीशन में। इसी तरीके से कंपनी बी अगर आपको 70% ऑफर कर रही है तो वो डिवाइड कर देती है इसके स्पॉन्सरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल बोनस, रैंकिंग बोनस, जनरल कमीशन, कार फंड, हाउस फंड, हो सकता है शायद कोई मोबाइल फंड भी देने। इस जो इन्होंने जिस तरीके से इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बड़ा एक ट्रिक है।
ठीक है, बहुत बड़ा ट्रिक है। ट्रिक होने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपको अगर एक रिटेल शॉप, ऑनलाइन आप शॉप में जाइएगा, वहां पे आपको बोला जाता है कि 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है, उसको क्रॉस करके लिखा जाता है कि ये 500 रुपये में दिया जा रहा है, मतलब 50% ऑफ करके लिखा जा रहा है। दूसरी कोई आप अगर आप ई कॉमर्स शॉप पर जाएंगे, वही चीज़ अगर आपको डायरेक्ट 500 रुपये पर लिखा होगा और आपको लिखा होगा कि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, तो आप क्या चूज़ करेंगे? हर किसी का ये माइंडसेट ही ऐसा होता है कि आपको 50% ऑफ मिल रहा है, जबकि प्रोडक्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, ब्रांड सेम है, सब चीज़ें सेम है। तो ये बेचने के ट्रिक हैं, राइट? और ये बेचने के ट्रिक हैं, इसी तरीके से बेचे जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया एक ट्रिक के हिसाब से, मतलब ये क्या है, वर्ड प्ले है बेसिकली। आपको आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है इस तरीके से बताने के लिए कि आपको ज़्यादा बेटर डील मिल रही है, लेकिन आपको ज़्यादा बेटर डील नहीं मिल रही है। अगर आप इसको इसको पूरा जो है ब्रेक डाउन करेंगे, आप इसका जैसे ही पूरे जो मार्जिन का इसका ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एट दी एंड आपके हाथ में हार्डली 15-20% जो है मार्जिन बचता है, 15-20% या 10-15% के आसपास में मार्जिन बचता है। और एक कॉमन सेंस की भी मैं बात करता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी आपको 70% या 50% देने का कमिटमेंट कर रही है, तो एक बार उनसे पूछ के देखिए कि सर आपकी कंपनी क्या मार्जिन बना रही है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी मार्जिन नहीं बना रही है तो वो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी या शटडाउन हो जाएगी। ठीक है, मैं और अच्छे से इलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक आपकी मान लीजिए कि आपका एक प्रोडक्ट है और आपका एक ब्रांड है, आपके जब जो भी ब्रांड है उस ब्रांड को मैन्युफैक्चर करने का, उसके रॉ मटेरियल्स खरीदने का, ऑपरेशन का, सैलरी का, बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल सब दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस और उसके बाद में गवर्नमेंट को टैक्स देना, ये सब चीज़ें मिला के ही इतना हो जाता है कि आप इतना हैवी मार्जिन किसी को दे ही नहीं सकते। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इतना बड़ा मार्जिन जो है दूसरी कंपनी दे रही है। तीसरी बात, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जैसे ही आप इसका ब्रेकडाउन देखने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा स्पॉन्सरशिप बोनस मिल रहा है। ये वही स्पॉन्सरशिप बोनस है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर कर पाए, इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादा अगर आप स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्पॉन्सरशिप बोनस जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो एट दी एंड आपको एक कॉमन मार्जिन जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 15% के आसपास का। ठीक है, इसी तरीके से तो इसमें जो सक्सेस रेशो होता है वो सिर्फ 1% लोगों का सक्सेस रेशो होता है, और उनमें भी 1% में सारे के सारे लीडर्स होते हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की हो, जिनकी इसके ट्रिक्स पता हो, जो इस तरीके से बेचना जानते हो, जो इसके शॉर्टकट्स जानते हो, इस तरीके के लोग। ठीक है, नेटवर्क मार्केट एटमी में बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। एटमी में आपको 35% मैक्सिमम जो है टोटल रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका भी जो ब्रेकडाउन है वो मैं आपको अगली आने वाली स्लाइड में दिखाता हूँ। गाइज, ये है इसका ब्रेकडाउन, और ये ब्रेकडाउन आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, इसके पहले आपको किसी भी वीडियो में या कहीं भी किसी भी मीटिंग में ये सब चीज़ें बताई नहीं गई होंगी। ठीक है, तो ब्रेकडाउन इसको मैं एक ये ब्रेकडाउन कम ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है, मैंने आपको इसके पहले बताया है कि हर प्रोडक्ट के कंट्री टू कंट्री रेट अलग हैं, उस पर डिपेंड करता है। हर प्रोडक्ट के जो है आप बोल सकते हैं पीवीज कंट्री टू कंट्री अलग है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के टोटल 35% या आप बोल सकते हैं कि 34.99 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसमें जनरल कमीशन जो होता है 35% को ही अगर ब्रेकडाउन करेंगे तो 35% में जनरल कमीशन 21.3%, मास्टरशिप बोनस 7.34%, सेंट्रल कमीशन 2.12%, और जो प्रमोशन बोनस है वो 1.46% है। प्रमोशन बोनस का मतलब इसमें कैश आ गया, प्रोडक्ट्स आ गया, जो प्रमोशनल प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं उन सारी चीजों की टोटल वैल्यू जो है इतनी मिल जाएगी। इसी को अगर आप 100% में 35% को 100% में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ निकल के आएगा और इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप समझिएगा ये मैं सेल्स वॉल्यूम का टोटल रेवेन्यू का बता रहा हूँ, राइट? इसके पहले जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था टोटल पीवी, टोटल सेल्स पीवी जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं ग्रुप में आपके, उसका बताया था। ये मैं बता रहा हूँ टोटल सेल्स का। ठीक है, तो अगर आप अच्छे नेटवर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑटो सेल्स मास्टर्स की। ऑटो सेल्स मास्टर क्या है? ऑटो सेल्स मास्टर एटमी की एक वो रैंक है जिसमें आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ जो स्टार्ट हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग जो हैं, अगर इस ग्राफ के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, और ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इन डॉट को अगर आप महीना समझने की कोशिश करेंगे, ये पहला महीना, दूसरा, तीसरा महीना, इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी आपको इक्वल ग्रोथ नहीं मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है, लेकिन वो कंपाउंडिंग ग्रोथ पाने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम तक सस्टेन करना पड़ेगा,
और ये लिमिटेड टाइम आपकी टीम पे डिपेंड करता है। हो सकता है एक एवरेज टाइम की बात की जाए 7 से 8 महीने के आसपास हो जा 7 से 8 महीने के आसपास हो सकता है। जैसे ही आप मैक्सिमम लोग जो गिवअप करते हैं वो गिवअप कहाँ पे करते हैं, इस टाइम फेज पे करते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट देते रहते हैं और उन्हें समझ में आता है कि लगातार मैं जो है 2-4-5 हज़ार रुपये महीना, 10 हज़ार रुपये महीना या 20 हज़ार रुपये महीने पर ही कंसिस्टेंट फोकस हूँ। लेकिन जो एक्चुअल जादू है वो जादू आपको देखने को मिलता है ऑटो सेल्स मास्टर के बाद में। ऑटो सेल्स मास्टर के बाद में क्या होता है, ऑटो सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर के बीच की स्टेज है। इसके बाद में ये होता है कि आपकी पूरी टीम जो है ऑटोमेट हो जाती है और इसको हम लोग अगर आम भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑटो रोलिंग पे आ जाता है। और ऑटो रोलिंग पे जैसे ही बिजनेस आ जाता है तो इसके बाद में कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अब ऐसा फ्लैट नहीं जाता है, ये ग्राफ ऐसा फ्लैट नहीं जाता है, ये ग्राफ अचानक से जो है उठना स्टार्ट करता है। फिर ऊपर जो मैंने जनरल कमीशन का जो मार्केट कैप बताया हुआ है $1,500, मतलब 1 लाख रुपए प्रतिदिन तक जाके ये रुक जाता है, ठीक है। और लगभग से जो ऑटो सेल्स मास्टर है वो $2,000 से $4,000 के बीच में इनकम जो है स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है ना। और कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी टीम की क्वालिटी क्या है, आपकी टीम की एक्टिविटीज़ क्या है, टीम कितने कंसिस्टेंटली जो है काम कर रही है, राइट। तो ये होता है गाइज, और इसलिए मैं हर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या एडमी कर रहा है उसको सजेस्ट करता हूं कि आप किसी भी हाल में गिवअप ना करें, क्योंकि आप जिस टाइम पीरियड पे गिवअप कर रहे हैं 5-6 महीने के बीच में गिवअप कर रहे हैं, वो एक्चुअल टाइम पीरियड है ही नहीं जहां पे आपको अपनी टीम का कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलना स्टार्ट करे। बहुत सारे लोग इसको बहुत फास्ट तरीके से कर देते हैं, हो सकता है कि दो महीने में कोई ऑटो सेल्स मास्टर अचीव कर जाए, बट मैं एक एवरेज व्यक्ति के हिसाब से बात कर रहा हूं जिसे नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, जो एकदम फ्रेशर है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो आपको एक सही समय तक पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल गल्ले का बिजनेस नहीं है, दुकान का बिजनेस नहीं है, ये कोई दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है जहाँ पे ये होता है कि आपने एक हाथ पैसे लिया और एक हाथ प्रोडक्ट दे दिया और वहाँ पे आपको एक फिक्स्ड जो कमीशन है वो मिल रहा है। यहाँ पे आपकी टीम बढ़ेगी, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा ग्रोथ होगा। जैसे जैसे टीम बढ़ते जाएगी और उतना ज़्यादा डेली मैचिंग आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उतना ज़्यादा अगर आप 1700 रुपये पर डे बना रहे हैं तो धीरे धीरे आप 1700 से 5,000 रुपये पर डे, फिर इसका 10,000 रुपये पर डे, ऐसे बढ़ के 1 लाख रुपए पर डे तक पहुंचेंगे, तो तभी पॉसिबल हो जाता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दूसरी दुनिया के किसी बिजनेस में पॉसिबल नहीं हो जाता है। तो शुरुआती दौर में हो सकता है 6-8 महीने तक आपको थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन वो पेन लीजिएगा, मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि उसके बाद में आपको मैसिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं सेल्स मास्टर की, सेल्स मास्टर बना कैसे जाता है। ये जो मास्टरशिप बोनस है वो महीने में 2 बार कैलकुलेट किया जाता है, 1 से 15 तारीख के बीच में और 16 से महीने के एंड में। 30 तारीख का महीना है तो 30 तारीख तक, या 31 तारीख का महीना है तो 31 तारीख तक। तो सेल्स मास्टर बनने के लिए आपके पर्सनल पीवी 7 लाख होने चाहिए, मतलब आप स्पेशल एजेंट की डीलरशिप पे होने चाहिए। और जैसे ही आप स्पेशल एजेंट की डीलरशिप में होते हैं, आपको लेफ्ट में 25 लाख पीवी करने हैं, राइट में 25 लाख पीवी करने हैं, ये 1 से 15 तारीख के बीच में और 16 से मंथ एंड के बीच में जो है कैलकुलेट होगा 15 दिन के ड्यूरेशन में। और जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो सेल्स मास्टर की जो एक एवरेज इनकम है वो इनकम पहुंचती है $2,000 से $4,000 के बीच में। $2,000 मतलब करीब करीब 1,40,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए मान लीजिए, $4,000 का मतलब हुआ करीब करीब 2,80,000 रुपए। तो डिपेंड करता है ये 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में, सॉरी 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच में जो है आपके टोटल जो है इनकम पहुंच जाती है। और जैसे ही ये इनकम पहुंच जाती है उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है वो मिलता है एटमी का द फेम 2 सेट और एटमी इवनिंग केयर का 1 सेट। ओके, ये हो गया सेल्स मास्टर की चीज़ें। इसके बाद मैं क्विकली बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बाद में डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट में 2 सेल्स मास्टर्स बनाने हैं और राइट में 2 सेल्स मास्टर्स बनाने हैं। कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपकी टीम में, ये जरूरी नहीं है इमीडिएट बने, कोई भी आपकी टीम में कहीं पे भी बन रहा है तो उसके लिए आपके पर्सनल पीवी जो है 15 लाख होने जरूरी हैं। आप स्पेशल एजेंट की जो है डीलरशिप रैंक पे होना चाहिए। जैसे आप डायमंड मास्टर क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी जो मंथली इनकम है वो करीब करीब $4,000 से $8,000 टच कर जाती है, मतलब अगर आप इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो 2,80,000 रुपये महीने से 5,60,000 रुपये या 6 लाख या 7 लाख रुपये तक भी पहुँच सकती है डायमंड मास्टर की इनकम। काफ़ी जो डायमंड मास्टर हैं वो 7 लाख रुपये महीने तक का भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद में आपको अवार्ड के तौर पे एक लैपटॉप मिलता है या आपको एक टैबलेट मिलता है 40,000 रुपए का। इसके बाद में एटमी की 2 फेम, वही जो प्रोडक्ट्स हैं 2 एटमी के, वो वापस रिपीट मिलते हैं जो आपको सेल्स मास्टर में मिले हुए थे। इसके बाद में अगला जो रैंक है वो है 7 रोज मास्टर का। 7 रोज मास्टर बनने के लिए आपको लेफ्ट में 2 डायमंड मास्टर और राइट में 2 डायमंड मास्टर बनाना है। जैसे आप 7 रोज मास्टर का रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका जो इनकम है वो करीब करीब $10,000 पार कर जाता है। $10,000 मतलब करीब करीब 7 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में आप इनकम जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे जो आपको कैश बोनस मिलता है वो मिलता है 1,20,000 रुपए। इसके बाद में आपको 2 टिकट्स मिलते हैं, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है।
अगला जो रैंक है आपका वो रैंक है स्टार मास्टर का। स्टार मास्टर क्वालिफाई करने के लिए आपका पर्सनल पीवी जो है वो 24 लाख पीवी होना चाहिए, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर आप होने चाहिए, और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद में लेफ्ट में 2 सैरन रोज मास्टर, राइट में 2 सैरन रोज मास्टर होने चाहिए। और जैसे ही आप स्टार मास्टर का रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं आपकी जो मंथली इनकम है वो लगभग $20,000 के आसपास पहुंच जाती है। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 14 लाख से 18 लाख रुपये के बीच में एक स्टार मास्टर जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारे स्टार मास्टर हैं जो इससे ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, लेकिन मैं उसको मिनिमम ही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा बनाते हैं तो डेफिनेटली बात है आपको उससे ज्यादा खुशी होगी। और इसमें जो कैश बोनस मिलता है वो 6 लाख रुपए का कैश बोनस मिलता है, इसके अलावा फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं आपको टोटल। अगला जो रैंक है वो है रॉयल मास्टर का रैंक। रॉयल मास्टर के लिए आपका पर्सनल पीवी 24 लाख होना चाहिए, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर की जो है डीलरशिप पे आप होने चाहिए, और लेफ्ट पे आपको 2 स्टार मास्टर और राइट पे आपको 2 स्टार मास्टर बनाने हैं। जैसे ही आप रॉयल मास्टर टच कर जाते हैं आपकी जो मंथली इनकम है वो करीब करीब पहुंच जाती है $30,000 के आसपास, और $30,000 का मतलब होता है करीब करीब इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो करीब करीब 21 लाख रुपए के आसपास, 21 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में जो है रॉयल मास्टर एक एवरेज इनकम जनरेट करता है। यहां पे आपको एक कैश रिवॉर्ड मिलता है अलग से 30 लाख रुपए का। इसके बाद में एक आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है एटमी की तरफ से, जहां पे आप 1,20,000 रुपए जो है अपनी स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज में कर सकते हैं, और आपको ये एनी हाउ खर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये एक महीने में लैप्स हो जाता है और हर महीने जो है इसकी रिफिलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टार ये रॉयल मास्टर की रैंक में जो है ये बिजनेस एक्टिविटीज को अपने प्रमोट करने के लिए जाता है, तो आपको अपनी जेब से कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में कार रेंटल फीस 60,000 रुपए पर मंथ स्टार्ट हो जाता है, और 60,000 रुपए पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में टूर एंड ट्रैवल्स के टिकट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी एवरेज कॉस्ट जो है 2,40,000 रुपए पर टिकट के आसपास पहुंचती है। अगला जो हमारा रैंक है वो रैंक है क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर रैंक मेंटेन करने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, 24 लाख पर्सनल पीवी बनाने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको लेफ्ट में 2 रॉयल मास्टर और राइट में 2 रॉयल मास्टर। जैसे ही आप क्राउन मास्टर का स्टेज पहुंच जाते हैं तो आपकी मंथली इनकम जो है वो करीब करीब $40,000 से $50,000 के बीच में पहुंच जाती है। $40,000 से $50,000 के बीच का मतलब हो गया है कि आप 28 से 30 लाख रुपए या 28 से 35 लाख रुपए महीना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको इसमें 1 टाइम कैश रिवॉर्ड मिलता है 1,80,000 रुपये का, 3 लाख रुपए का जो है आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसे आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए खर्च कर सकते हैं, एक लग्जरी कार मिलती है, इसके अलावा ट्रैवल जो है टूर टिकट्स मिलते हैं, टूर टिकट्स की एक एवरेज कॉस्ट जाती है 2,50,000 2,40,000 से 2,50,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। ओके गाइस, इसके बाद में सबसे हमारी जो लास्ट रैंक है वो है इंपीरियल मास्टर रैंक। इंपीरियल मास्टर रैंक बनाने के बाद में आपको दुनिया में कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपीरियल मास्टर बनाने के लिए आपको लेफ्ट में 2 क्राउन मास्टर और राइट में 2 क्राउन मास्टर बनाने हैं, और जैसे ही आप इंपीरियल मास्टर टच हो जाते हैं और इंपीरियल मास्टर टच होने के बाद में आप करीब करीब $50,000 से जो है ज्यादा इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 35 से 40 लाख रुपए महीना। काफ़ी लोगों ने जो है इसको प्रमोट किया हुआ है कि हम लोग 70 से 80 लाख रुपए महीना या 1 करोड़ रुपए महीने तक भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल वो सही है, क्योंकि हम जो एटमी है, एटमी का कल्चर ये है कि एटमी बहुत ज़्यादा हम्बल रहना चाहता है। जिस तरीके से हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर हेंगल पार्क सर, वो हमेशा इसे $50,000 प्रमोट करते हैं, और जो बहुत सारे दूसरे इंपीरियल मास्टर हैं जैसे हमारी इमीडिएट जो अपलाइन है इंपीरियल मास्टर हैं वो, तो वो भी करीब करीब 70 से 80 लाख रुपए महीने के आसपास जनरेट कर रहे हैं। तो इंपीरियल मास्टर की जो हम लोग 35 लाख रुपीज जो पर मंथ है या 35 से 40 लाख रुपए महीना या $50,000 की जो इनकम है, $50,000 को इनकम को एक बहुत ज़्यादा हम्बल नंबर माना जाता है, और उनका ये मानना है कि ये मोर देन सफिशियंट इनकम है। लेकिन अगर इंपीरियल मास्टर की इनकम की बात की जाए तो बहुत अच्छे अच्छे इंपीरियल मास्टर हैं जो इससे ज़्यादा भी जनरेट कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल टर्नओवर जितना प्लस होगा इंपीरियल मास्टर की इनकम जो है उतना प्लस होते जाएगी, और उसका एडवांटेज जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक पूरी डेडिकेटेड इंपीरियल सेरेमनी की जाती है, वहां पे 6 करोड़ कैश जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, 6 करोड़ कैश एक, अगर आपको इसकी इंपीरियल सेरेमनी देखनी है तो यूट्यूब पे सिर्फ आप सर्च कीजिएगा एटमी इंपीरियल सेरेमनी के नाम से, तो आपको वीडियो देखेंगे। क्रेन से पैसा लेके आया जाता है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है सिर्फ इंपीरियल मास्टर के लिए और बाकी सारे मास्टर्स को जो है सम्मानित करने के लिए। इसके बाद में 6 लाख रुपए महीना आपकी स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, लग्जरी कार दी जाती है 50 लाख रुपए की, इस लग्जरी कार को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर दिया जाता है, उसकी सैलरी करीब 50,000 रुपए महीने के आसपास होती है, एक ऑफिस दिया जाता है 1700 स्क्वायर फीट का, और एक पर्सनल असिस्टेंट दिया जाता है,
पर्सनल असिस्टेंट पे की आप सैलरी 50,000 रुपये महीने तक दे सकते हैं। इसके अलावा चार चार टिकट्स दिए जाते हैं, एक लंबा टूर पैकेज जो है वो दिया जाता है। तो इम्पीरियल मास्टर बनने के बाद में आपको, इम्पीरियल मास्टर बनने का मतलब हो गया है कि आप भारत में ही नहीं दुनिया के हर जगह पे जो है आप सर्वाइव कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी कंट्री में आप सर्वाइव कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी कंट्री में आप एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ नहीं, एक लग्जरी लाइफ जो है वो जी सकते हैं, राइट। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, इसे बोलते हैं एटमी लीडरशिप क्लब। एटमी लीडरशिप क्लब क्या है? एटमी लीडरशिप क्लब है, अगर लीडर जो एक साल का $1,00,000 बनाता है, मतलब करीब 70 लाख रुपए बनाता है, तो वो लीडर्स क्लब में आ जाता है। इसके बाद में रॉयल लीडर क्लब क्या होता है, जो जो भी लीडर साल का करीब $2,00,000 बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब तकरीबन तकरीबन 1,40,00,000 रुपए साल का बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो रॉयल लीडर क्लब में आ जाता है। क्राउन लीडर क्लब होता है $4,00,000 पर ईयर बनाने का, मतलब करीब करीब 2,80,00,000 रुपए साल का बनाने का। और जैसे ही ये लीडर्स क्लब में शामिल हो जाते हैं, तो इन लीडर्स क्लब का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे ऐसे शैरन रोज मास्टर हैं जिन्होंने रॉयल लीडरशिप जो है वो क्वालिफाई किया है, बहुत सारे ऐसे रॉयल मास्टर हैं जिन्होंने क्राउन लीडरशिप जो है वो क्वालिफाई किया है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि आप अपना फाउंडेशन कितना स्ट्रांग रख रहे हैं, आप अपनी टीम स्ट्रक्चरिंग कितनी स्ट्रांग रख रहे हैं, जिसका जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब गाइज, एटमी में सक्सेस लेना बहुत आसान काम है। एटमी में सक्सेस लेने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको प्लग इन करना है एटमी के सक्सेस सिस्टम पे, राइट। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आपने देखा हुआ है कि हर टीम का अलग अलग एजुकेशन पार्ट होता है, डेफिनेटली वो भी एक एडवांटेज होता है, अलग अलग टीम की रणनीति जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एटमी में अगर कोई व्यक्ति किसी गलत जगह पे भी प्लेस हो गया है, या मान लीजिए कि उन्हें लगता है कि उनकी जो अपलाइन है वो एक्टिव नहीं है और इनएक्टिव है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटमी का सक्सेस सिस्टम ओपन है। आपको सारी ट्रेनिंग, सिर्फ इंडिया की ट्रेनिंग नहीं, वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। तो इसके चार भाग होते हैं स्पेशल। पहला भाग होता है सेमिनार। एटमी कभी लीडर्स के थ्रू सेमिनार नहीं करती है, एटमी खुद के सेमिनार्स करवाती है अलग अलग सिटीज में, पूरा एक्सपेंस जो है वो एटमी उठाती है। इसके बाद में सक्सेस एकेडमी, ये एक लीडरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें करीब करीब 8 घंटे का एक पूरा सेशन लिया जाता है। डिपेंड करता है हर कंट्री टू कंट्री की कितने कितने ड्यूरेशन में जो है सक्सेस एकेडमी रखी जाती है। इसके बाद में एजुकेशन सेंटर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। हर सिटी के हिसाब से कुछ एजुकेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी टीम को बुला के एजुकेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा ये सारा जो कंटेंट है वो एक CH एटमी के नाम से एक एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप इसको एक ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जहाँ पे एटमी की होने वाली सारी ग्लोबल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़ हो गया, ट्रेनिंग हो गए, इंपीरियल्स के लेक्चर्स हो गए, मिस्टर हैंगल पार्क सर के लेक्चर्स हो गए, तो सभी जो लेक्चर्स और सारा जो कंटेंट है वो पूरा CH एटमी के नाम से एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में और उस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, नो मैटर आपकी अपलाइन काम कर रही है नहीं कर रही है, आपको सिर्फ इस सिस्टम से प्लग होने की जरूरत है। जैसे ही आप सिस्टम से प्लग होते हैं, तो ये पूरा जो इसका जिम्मेदारी है वो पूरा जिम्मेदारी एटमी ने उठा रखा है। आपको अपना कोई एजुकेशन सिस्टम अलग से लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, और यही कारण है एटमी में नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज ज्यादा निकलने का। ये ज्यादा सक्सेस स्टोरीज कब निकल पाई है? जब ग्लोबल एक यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। इसके अलावा बाकी कंपनीज में क्या है, हर एक टीम का एक अलग एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए एक सर्टेन टीम जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन 99% जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीछे रह जाती है, और उसमें वो लोग एक छोटा छोटा इनकम जो है जनरेट कर पाते हैं। तो गाइज, आई होप आपको इसमें सारी चीजें जो है समझ में आई होंगी। मैंने लगभग बहुत आसान तरीके से और लगभग सारी चीजें एटमी की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डिटेल जो है आपके सामने रखी है। और इस वीडियो को अगर आपने एक बार समझ लिया, तो आपको फिर बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको टीम को एक्सप्लेन करने की। एक बार अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से इस चीज को देख लीजिए कि किस तरीके से एटमी का प्लान हम लोग जो बोलते आ रहे हैं कि दुनिया का नंबर वन प्लान है वो क्यों है, उसका मैंने हर एक रीजन दिया है, 5 महीने की रिसर्च है। इसको कमेंट पे फीडबैक दीजिए, आप अपना बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी टीम के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिल पाए, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तक ना पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुंचे। और इसके बाद में जैसे ही कंपनी का एजुकेशन सेंटर लॉन्च हो जाता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को इक्वल एजुकेशन मिलेगा और सभी लोग जो है इक्वली ग्रो कर पाएंगे। और आप हमारी टीम के साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल, स्मार्टेस्ट और विजनरी टीम है, और हम बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं कस्टमर सक्सेस पे। ओके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अपना फीडबैक जरूर दें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अपना फीडबैक दें, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिल सके। और आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। और आप सिंपली रितेश रंगारे टाइप कीजिएगा किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे, वहां पे मेरे को आपका जो आपको मेरा पोर्टल जो है वो मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा
उठाएं, ठीक है। और एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आई डोंट थिंक कि आपके दिमाग में कोई दूसरा कन्फ्यूजन रह जाएगा एटमी के प्लान को लेके। एक बार अगर ये प्लान समझ में नहीं आता है तो बार बार रिपीट करके इस प्लान को देखिएगा वीडियो की, वही आपको जो है एडवांटेज आपको लेने को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच ऑल, और मैं जल्द ही आपको कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच।